आगे का ड्रामा नेंग चेंग बैंक्यूट एपिसोड नंबर 5। कमांडर यान को लगी होती है बहुत ज्यादा चोट और मिस्टर चेंग यहाँ पे बैठे होते हैं। मिस्टर चेंग कहते हैं कि हमने पहले से ही बात कर ली थी कि जियो क्यांगजी पे हम सारा आरोप लगा देंगे, तो आपने उसके ऊपर आरोप क्यों नहीं लगाया, अपने ऊपर क्यों ले लिया। तो वो कहते हैं कि अगर हम उस हिजड़े के ऊपर सारा आरोप लगा देते ना, तो तुम्हें पता है क्या होता, महारानी उस हिजड़े को जान से ही मार देती, और वैसे भी पहले से हम लोगों ने ये सारा किया कराया तो हमारा ही था, तो मुझे अपने ऊपर ही इसका दोष लेना सही लगा। तो मिस्टर चेंग कहते हैं कि सभी लोग कहते हैं कि आप बहुत ही ज्यादा निर्दयी हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप कितने नरम दिल हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे जियो क्यांगजी आती है जो कि डॉक्टर को लेकर आई होती है, तो वो कमांडर यान से माफी मांगते हैं, कहती है कि मेरी वजह से आपको इतनी सारी चोट लग गई, उस वक्त जब आपको मार पड़ी थी मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था, मैंने सोचा था कि मैं रोक दूं। तो यहाँ पे चेंग कहते हैं तो रोका क्यों नहीं, वो कहती है कि अरे वहाँ पे इतने सारे लोग थे, अगर मैं रोकती तो महारानी को लगता कि मैं उनकी आज्ञा का अवहेलना कर रही हूँ, उसके बाद से वो मुझे शायद मौत की सजा दे सकती थी, इसीलिए मैं नहीं रोक पाई। तो यहाँ पे कमांडर यान कहते हैं हाँ तो तुम यहाँ पे और क्या चाहते हो बताओ, बस तुम अपना ये जो फंसाते हो ना हर समय पे वो सब फंसाना वसाना बंद कर दो। वो कहते हैं कि हाँ कमांडर यान वैसे आपने मेरी जान बचाई है, तो मैं वादा करता हूँ आज के बाद से मैं वही करूँगा जो आप चाहेंगे, जैसे आप चाहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। कमांडर यान कहते हैं कि बस मेरे लिए मुश्किलें पैदा करना बंद कर दो। तो वो कहते हैं कि जैसे अब किया गया, जिसके बाद से डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर साहब दवाई दीजिए, और कमांडर यान को मेरी वजह से चोट लगी है तो मैं उन्हें दवाई लगाऊंगी। तो वो डॉक्टर जो होते हैं वो दवाई देते हैं और डॉक्टर चले जाते हैं, जिसके बाद से वो कमांडर यान को जब दवाई लगाने के लिए जाती है तो उनका पीठ देखते हैं, उनके पीठ पर बहुत सारे घाव के निशान होते हैं। वो एक घाव को दिखा दिखा कर पूछ रही थी कि ये घाव कहाँ से लगा, तो कभी कमांडर यान कहते कि मुझसे खुद से लग गया, कभी कहते कि मुझसे अभ्यास से लग गया, लेकिन दरअसल इन्होंने इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी होती हैं, उन्हीं सारी लड़ाइयों में घाव लगा होता है, जिसमें से एक घाव को दिखाते हुए पूछते कि ये कैसे घाव लगा। तो वो सोचते हैं कि वो नकाबपोश लड़की ने इन्हें मारा था, मतलब हाँ एक तरीके से इसी लड़की ने इन्हें मारा था। तो वो कहते हैं कि ये एक बिल्ली ने खरोच लिया। तो वो कहते हैं क्या बिल्ली ने खरोचा, जी कहते हैं वैसे निशान देखकर ऐसा नहीं लगता कि आपको किसी बिल्ली ने खरोचा, उसके बाद से वो दवाई लगाने लगती है। दवाई लगाने पर जब उन्हें दर्द होता है तो वो उनके पीठ पर फूंक मारती है। जैसे ही जियो क्यांगजी फूंक मारती है तो कमांडर यान को याद आता है जब वो छोटे थे तो एक छोटी बच्ची इनका इलाज कर रही थी, और दवाई लगाते वो फूंक मारती और कहती है कि फूंक मारने से ना दर्द थोड़ा कम हो जाता है। कमांडर यान उस बच्ची के बारे में याद करते हैं, उसके बाद से जियो क्यांगजी को देखते हैं, कहते हैं कि मैं इस हिजड़े के बारे में बार बार क्यों सोच रहा हूँ, मतलब इससे मैं आकर्षित हो रहा हूँ। जिसके बाद से जियो क्यांगजी कहती है कि कमांडर यान आप चिंता मत कीजिए, ड्यूक बेई ने आपको इतना सारा पिटवाया ना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसका बदला तो मैं लेकर आऊंगा। कमांडर यान कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि मुझे अच्छी तरीके से मार नहीं पड़ी है, तो वो शांत हो जाती है। जिसके वजह से वो कहती है कमांडर यान आपको मेरी वजह से मार पड़ी है, वैसे भूलो मत मेरा बदला एक तो पूरा हुआ है। जब यहाँ से जियो क्यांगजी चली जाती है तो कमांडर यान सोचते हैं कि ये आसानी से हार नहीं मानेगा, ये जरूर ड्यूक बेई के महल जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करेगा, मुझे इसे रोकना होगा क्योंकि ये परेशानी में पड़ सकता है। जियो क्यांगजी जाती है सम्राट के पास, तो सम्राट उसे एक तमका यानी हाँ बिल्ला देते हुए कहते हैं कि लो अब आज से तुम निरीक्षक हो ना कमांडर यान के, उसका मतलब क्या बोलते हैं कमांडर यान के कमांडरों का, उनके सैनिकों का। तो वो कहते हैं कि ये देखो मेरे पर्सनालिटी पे सूट करता है ना, मुझे बड़ा वाला चाहिए। सम्राट कहते हैं ठीक है तुम्हें बड़ा वाला चाहिए, मैं तुम्हें अगली बार दे दूंगा। उसके बाद से वो कहते हैं कि पैसों का मामला हल करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। तो वो कहते हैं कि हाँ बताओ ना। तो उसके बाद से वो उनके कान में मतलब सम्राट के कान में कुछ बताती है, तो सम्राट कहते हैं ऐसा कैसे कह सकती हो तो मतलब ये सब करना सही होगा क्योंकि वो आखिरकार वो मेरे चाचा हैं। तो वो कहती है क्या जरूरत है पैसा या चाचा, तो वो कहते हैं कि निश्चित रूप से पैसा। तो वो कहते हैं कि कहती है तो फिर हो गया फैसला, हम लोग वही काम करेंगे और हमें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सम्राट कहते हैं ठीक है अगर ये मामला सामने आता है तो आगे चल के तुम मेरा नाम नहीं लोगे, ठीक है ना। तो ये कहते हैं कि हाँ ठीक है मामला फिक्स है, आगे चल के जब ये सब सामने आता है तो मैं इसमें आपका नाम नहीं लूंगा। उसके बाद से हमें रात का समय दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि ड्यूक बेई के महल में मतलब ढेर सारे लोग आए होते हैं और यहाँ पे कमांडर यान का चैंग जो है वो छुप के देख रहा होता है। ड्यूक बेई के महल में ढेर सारे लोग आए होते हैं और वो लोग कहते हैं कि कर का चांदी वसूल लिया गया है। ड्यूक बेई से कहा जाता है कि आप आइए गिनती कर लीजिए और पैसे वैसे रखवा लीजिए। तो वो कहते हैं ठीक है, जिसके बाद से वो जाते हैं एक बक्सा खोलते हैं उसमें चांदी वांदी देखते हैं। तो वो जो आदमी होता है वो कहते हैं ड्यूक बेई कि आप एक दिन पहले ही कैसे पहुँच गए। तो वो कहते हैं कि दरअसल हम लोगों ने समुद्री यात्रा की थी जिसके वजह से एक दिन पहले ही पहुँच गए हैं और ये राज्य का कर है। तो वो कर लेने के बाद पेपर पे साइन कर देते हैं और जो ड्यूक बेई होते हैं वो अपने आदमी से बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि कमांडर यान सोच रहा था कि हमारे घर पे हंगामा करके वो पैसे वैसे छीन सकता है, वैसे मैं जब चाहूँ तब सैनिकों को वेतन भुगतान कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इतने सारे पैसे हैं। तो वो कहता है कि हाँ अब ये जो कर आया है इसमें से आधा हम लोग रख लेते हैं, आधा हम लोग खजाना कोष में जमा कर देंगे। उसी दिन हम देखते हैं कि ड्यूक बेई के महल पर छापा पड़ जाता है कमांडर यान के साथ क्यांगयू गार्ड के सैनिकों का। ड्यूक बेई कहते हैं कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हम लोग राजकोष में वो चांदी जमा करने के लिए आए हैं और इस चांदी की गिनती की जा रही है। वो कहते हैं ड्यूक बेई की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैंने सारे चांदियों की गिनती कर ली है और ये सब सही है। वो लोग चांदी की गिनती करते हुए एक चांदी का सिक्का निकालते हैं और तोड़ देते हैं और यहाँ पे वो लोग कहते हैं कि ये चांदी तो नकली है। वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, अपने आदमी का गला पकड़ लेते हैं, गिरबान पकड़ लेते हैं, कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो कमांडर यान कहते हैं कि ड्यूक बेई के महल की जाँच की जाए। तो वो कहते हैं कि महल की जाँच करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैंने सारी चांदी यहीं पर रख दी है, मतलब मैं कोई गड़बड़ कर ही नहीं सकता हूँ। तो ये लोग कहते हैं तो फिर ये चांदी गलत कैसे हो गया, मतलब ये चांदी जो है वो नकली कैसे है, आपने
कुछ तो गड़बड़ की है। तो और वैसे भी आपका नाम साफ करना है ड्यूक भाई, तो आपके महल की जांच तो करनी होगी। आपके महल की जांच कर लेंगे और हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमें पता चल जाएगा कि आपने कुछ भी गड़बड़ नहीं की है। ड्यूक भाई तो मना कर रहे होते, लेकिन कमांडर यान के आदेश पर यहाँ पे सैनिक जाके उनके कमरे की जाँच करते हैं, जहाँ से वो दो चांदी के मतलब बहुत सारे चांदी के सिक्के वगैरह जो होते हैं वो निकाल के लाते हैं बक्सों में और कहते हैं कि ड्यूक भाई आप गबन कर रहे हैं, मतलब असली चांदी रख ले रहे हैं और नकली चांदी बाहर निकाल दे रहे हैं। ऐसा करके ड्यूक भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद से हम कमांडर यान को देखते हैं जो कि मिस्टर चैंग से बातें कर रहे होते हैं और मिस्टर चैंग कहते हैं कि वैसे ये अच्छा आइडिया था, मतलब नकली चांदी को रख के और असली चांदी को निकालना। कमांडर यान कहते हैं कि हाँ जियो क्यांग जी अच्छा काम करता है, वैसे उसके पास दिमाग तो है, अच्छा प्लान बनाया था उसने, वो उसको पता था कि ड्यूक भाई बहुत ही ज्यादा लालची है और इसी वजह से उन्होंने वहां पे नकली चांदी भिजवाई और हम लोग असली चांदी लेकर बाहर आ गए। जियो क्यांग जी चिल्लाते हुए आती है तो कमांडर यान कहते हैं तुम जा सकते हो। जियो क्यांग जी अंदर आती है तो कमांडर यान को पैसे दिखाते हुए बोलते हैं मुझे 102 टेल्स मिल चुके हैं, आप इसे ले लीजिए और मुझे एंटीडोट दे दीजिए। यान कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, वो कहते हैं कि वैसे इसमें थोड़े से पैसे कम है तो क्या मुझे आप 10 गोलियां दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं किसी के जीवन और मृत्यु का सवाल है। कमांडर यान कहते हैं कि हाँ, और उसको उससे जो पैसे वैसे होते हैं वो छीन ले रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जियो क्यांग जी पैसे देने के लिए तो तैयार नहीं होती है, लेकिन हमारा कौशधि लेकर खुश हो जाती है, बाहर जाती है, खुशी से निकल के जा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि इसके जो लियू इदाओ होते हैं वो वही गोलियां खा रहे होते हैं। वो कहते हैं क्या ये इतना ज्यादा महंगा, आप इतने कैंडी की तरह खा रहे हैं। वो कहते हैं कि ये डॉक्टर क्यों ने बनाया है, तुम्हें पता है ये नागफली की गोलियां, ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। वो कहती क्या नागफली की गोलियां, धिक्कार है तुम पर कमांडर यान। जियो क्यांग जी कमांडर यान के पास जाती है और कहती है कि ये क्या नागफली की गोलियां हैं। तो कमांडर यान कहते हैं हाँ। वो कहती कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने तुम पे पूरे दिल से भरोसा किया था। कमांडर यान तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो, तुम्हें एक इंसान के मतलब जान की कोई परवाह नहीं है, तुम्हें मेरे जान की परवाह नहीं है, तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, तुम सच बताओ तुम्हारे पास मारक औषधि है या नहीं, रोते हुए पूछती है। कमांडर यान कहते हैं नहीं। तो वो और ज्यादा रोने लगती है, कहती तुम्हें तो बिल्कुल भी चिंता नहीं है, मैं तो इतने दिनों से इतना मेहनत करके पैसे कमा रही थी इस मारक औषधि के लिए ताकि मैं जीवित रह सकूं, लेकिन तुम्हारी तुम्हें तो मेरी जिंदगी की परवाह ही नहीं है, रोते हुए वहां से चली। कमांडर यान को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है लेकिन वो रोक भी नहीं पाते। कमांडर यान के पास आता है तो कमांडर यान उसे पूछते क्या मैंने कुछ गलत किया। तो वो कहते हैं कि हाँ, हालांकि इस बार जियो क्यांग जी ने हमारी बहुत ज्यादा मदद की, तो जैसा हम लोग उसके साथ कर रहे थे वो तो उसके लिए धोखा हुआ ना। कमांडर यान यहाँ पे थोड़ा बुरा लगता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियो क्यांग जी बहुत ही ज्यादा रो रही होती है और हम देखते हैं यहाँ पे कमांडर यान उसे देख रहे होते, कहते हैं कि मैंने उसे अपने पास इसलिए रखा क्योंकि मैं जेड अंगूठी के बारे में जानना चाहता था। लेकिन आगे की सीन में हम देखते हैं जियो क्यांग जी कमरे में बैठी होती है और सोच रही होती है कमांडर यान क्या तुम इंसान हो, हृदयहीन इंसान। हम देखते हैं कि यहाँ पे कमांडर यान आते हैं, उससे कहते हैं कि हालांकि मैंने तुम्हारे पास साथ बुरा किया है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, और उसे देते हैं तो वो नहीं लेती। वो कहते हैं कि इसे रखो, जब भी तुम्हें जरूरत हो, तुम मुश्किल में हो तो इसे बजा देना, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊँगा। तो वो कहती है कि क्या, तो वो कहते हैं कि हाँ, कुछ गलत मत समझना, ये हमारे सभी गार्डों के पास है, मतलब सभी सैनिकों के पास है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए भी लाया हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। वो देखती है तो उसमें एक सीटी होती है, वो कहती है क्या बकवास चीज़ और उसे साइड में रख देती है। गुस्सा होती है ना वो कमांडर, जिसके बाद से मंत्रालय का सीन दिखाया जाता है, मतलब हाँ न्यायालय का सीन दिखाया जाता है। महाराज कहते हैं क्योंकि वे ही पकड़े गए हैं तो मैं जानना चाहता हूँ कि उनके जगह पे मंत्री पद पे कौन कार्य करेगा। यहाँ पे सभी लोग मिलकर मिस्टर हान को मंत्री पद के लिए चुनते हैं। तो महाराज कहते हैं कि ठीक है मिस्टर हान, अगर सभी लोगों ने आपको चुना है तो आप मंत्री पद के लिए राजस्व का कार्य आप करेंगे और जो वहाँ पे पैसे वैसे हैं वो सबका देख रेख आप करेंगे। लेकिन हाँ, जब से मैं राजा बना हूँ तब से मैंने इस पैसे वैसे की जाँच वाँच नहीं की है, लेकिन आज से व्यक्तिगत रूप से मैं खजाने की जांच करूंगा और सब कुछ मेरे ही देखरेख मेरे ही निरीक्षण में होता रहेगा। मंत्रीगण तो पूरी तरीके से डर जाते हैं कि जब महाराज इसकी देखरेख करेंगे तो हम लोग तो गबन भी नहीं कर पाएंगे। न्याय मंत्रालय के मंत्री कहते हैं कि वैसे कमांडर यान आप इतने दिनों से सिंदूर की जांच कर रहे हैं, मतलब सफेद पाउडर के बारे में, अभी तक उसका कोई भी खबर नहीं मिला है। और महाराज से अनुरोध करते हैं कि महाराज ये अभी तक किसी भी व्यक्ति को पकड़ने के नहीं लाए हैं, एक ड्यूक वेई को पकड़ा है लेकिन उसका भी मामला अलग है। तो मैं चाहता हूं कि अब ये अपना जांच करना बंद करें और इसका जांच करने का पूरा मामला न्याय मंत्रालय को सौंपा जाए। तो महाराज कहते हैं ठीक है, मैं इस बात पे सहमत हूँ। और इसके बाद से कमांडर यान भी सहमत हो जाते हैं। कमांडर यान मिस्टर चंग से बात करते हुए जा रहे होते हैं, जहाँ पे ये लोग कह रहे होते हैं कि न्याय मंत्रालय के लोग पहले ही तैयार थे मतलब इस मामले की जांच करने के लिए, लेकिन क्या होगा अगर वो सबका मुंह ही बंद कर दे। कमांडर यान कहते हैं देखो मुझे मौत से डर नहीं लगता, मैं बस असली अपराधी को सामने लाना चाहता हूं। ये लोग बात करते हुए बाहर जा रहे होते हैं, तभी यहाँ पे तियांग जा रहे होते हैं, तियांग जो ड्यूक वेई के बेटे हैं। तो उनसे पूछते हैं कमांडर यान कि आप कहाँ जा रहे हो। वो कह रहे हैं कि हाँ, तो क्या हर जगह का मैं आपको खबर देकर जाऊँ, हालांकि मैं आपके कमांडरी का जो एक सैनिक हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं जहाँ जाऊँ आपको बता के जाऊँ। और चले जाते हैं। मिस्टर चैंग कहते हैं कि ये शुरू से ही ऐसे गुस्से वाला है, आप चिंता मत कीजिए और आप बुरा मत मानिएगा। मिस्टर तियांग को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और अपने लिए बारबेक्यू, झटकेदार मांस, मतलब पता नहीं क्या क्या वगैरह वगैरह मांग रहे होते हैं। यहीं पे आते हैं क्यांग यू गार्ड के मतलब कमांडर यान भी उनके लिए उनकी पसंद का खाना ऑर्डर करते हैं। कहते हैं कि मुझे पता है कि आप बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं, तो लीजिए थोड़ा सा गुस्सा ठंडा कीजिए और दारू पीजिए। कमांडर तो यहाँ पे जो मिस्टर तियांग होते हैं वो दारू पीते हैं और कहते हैं कि दोस्त देखो मैंने पता लगा लिया है कि ये
सब मेरे पिता की ही गलती थी। बस आपको बुरा मानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हालांकि मुझे शुरू में बुरा लगा था और इन सब मामलों के बारे में मुझे पता था, लेकिन फिर अब मैं समझ गया हूँ कि सब में ड्यूक वेई की गलती थी यानी मेरे पिता की गलती थी, तो मैं आपको इसका दोषी नहीं ठहराऊंगा। ड्यूक वेई को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा रो रहे होते हैं, कहते हैं कि मैंने अपने मान प्रतिष्ठा पैसे सब कुछ खो दिए, साथ साथ मेरा मतलब अहदा भी चला गया, अब मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे तियान आते हैं तो तियान को देख कर मिस्टर वेई बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, उसे कहते हैं कि छोटे लड़के तुमने भी उन लोगों का साथ दिया, तुम मेरे बेटे होकर ऐसा कैसे कर सकते हो, हमारा मान प्रतिष्ठा पैसा वैसा सब कुछ खो गया, अब हम क्या करें, जीवन में जिंदगी जी कर हम क्या करेंगे, हमें भीख मांगना पड़ेगा वगैरह वगैरह, मतलब बहुत ही ज़्यादा रो रहे होते हैं। उनके बेटे उन्हें समझाते हैं कि पिताजी देखो ये सब ना बेकार के पैसे थे, मतलब ऐसे घपला करके कमाना ये सब हमारे लक्षण नहीं है, वैसे आपने मुझे जो पॉकेट मनी दी थी ना मैंने उससे कुछ दुकान खरीदे हैं, अब आप आराम से व्यवसाय कर सकते हैं और आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो वो कागज़ दिखाते हुए कहते हैं कि देखो मैंने कुछ दुकान खरीद ली है, और ये देखकर तो उनके पिताजी यानी जो ड्यूक होते हैं वो खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि बेटा तुमने तो बहुत समझदारी का काम किया, अब हम आराम से अपना व्यवसाय संभालेंगे। इसके बाद हम जियो क्यांग जी को देखते हैं जो कि जब सोकर उठ रही होती है अपना बिस्तर लगा रही होती है, तो यहाँ पे मिस्टर चेंग आते हैं तो कहते हैं कि तुम अभी तक सो रहे हो, तो वो कहते हैं कि हाँ वैसे मुझे मेरा तुम्हारे कमांडर से बात हो चुका है, मैं जो चाहता हूँ वही होगा ना, तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन फिर उसके बिस्तर पर सिटी देख कर कहते हैं ये सिटी ये तुम्हारे पास कैसे आई, तो वो कहती है कि ये मेरा है और ये मुझे कमांडर यान ने दिया है, तो वो कहते हैं क्या बात कर रहे हो, कमांडर यान का खजाना है ये खजाना, तुम्हें पता नहीं है क्या, वो किसी को छूने नहीं देते यहाँ तक कि मुझे भी नहीं दिया, तो वो याद करती है कि कैसे कल रात को कमांडर यान खुद उसे ये देकर गए थे और उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसी सिटी सबके पास है। वो कहते अच्छा इसका मतलब उसे लगता है कि उसने जो मेरे साथ किया वो गलत था इसीलिए वो मुझे ये तोहफे दे रहा है, तो वो कहते हैं कि क्या ऐसा है क्या, मतलब मुझे भी तो तोहफा देना चाहिए, मिस्टर चेंग कहते हैं, तो वो कहती है कि देखते ये काम करता नहीं, सिटी बजाती है कमांडर यान दौड़ते हुए उसके पास आते, कहते क्या हुआ कुछ गलत हुआ क्या, तो वो हंसती है कहती है कि ये सिटी तो सच में काम कर रहा है, तो कमांडर यान कहते क्या मतलब, तो वो कहते कि मैं तो बस जांच कर रही थी कि ये काम करता है या नहीं, तो वो कहते क्या बस जांच करने के लिए, तो वो कहते नहीं नहीं मिस्टर चेंग आपको बुला रहे थे, तो मिस्टर चेंग की तरफ इशारा करते हुए कहते थे, तो मिस्टर चेंग कहते कि वैसे बॉस आपने इसे तोहफा दिया तो क्या मेरा तोहफा नहीं बनता है, मेरा तोहफा कहाँ है, तो वो कहते हैं कि ठीक है तुम चिंता मत करो मैं अभी उसे बना रहा हूँ, तो वो कहता है धन्यवाद बॉस, उसके बाद से कमांडर यान वहाँ से चले जाते हैं। जियो क्यांग जी को सिटी का जो धागा वागा होता है लपेट लेती है और संभाल के अपने पास रख लेती है। आगे हम देखते हैं कि चेंग को मिला होता है एक पंखा और वो ले जाकर सारे सैनिकों को दिखाता है कि देखो कमांडर ने मुझे ये दिया है, कमांडर यान का ये बात देख कर सारे सैनिक तो कहते हैं कि अरे कमांडर यान हमें भी तोहफा चाहिए, कमांडर यान के आते ही सारे सैनिक कहते हैं कि कमांडर यान हम भी तो आपके अच्छे दोस्त हैं हमें भी तोहफा दो, कमांडर यान ना चाहते हुए अपने महल की महंगी महंगी चीज़ें मतलब वस्तुएं जो सालों से बचाए रखे हुए हैं इन सभी सैनिकों को दे देते हैं, सैनिक उन्हें धन्यवाद कहते हैं, तो कमांडर यान कहते हैं कोई बात नहीं तुम सभी लोग मेरे दोस्त की तरह हो तो ये बस नॉर्मल सी बात है। सारे सैनिक बहुत ज़्यादा खुश होकर ये सारे तोहफे लेकर चले जाते हैं। उसके बाद सिटी बजती है और कमांडर यान दौड़ते हुए पहुँचते हैं जियो क्यांग जी के पास, कहते हैं क्या हुआ, तो वो कहते हैं कि दरअसल मुझे प्यास लगी थी तो मैं लिए पानी डालो, तो वो कहते हैं क्या, तो वो कहते हैं कि हाँ वैसे सम्राट का आदेश है मैं आपको मेरी बात माननी होगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि सम्राट को कहना ही होगा कि आप ये सब काम नहीं कर सकते जो मैं चाहता हूँ, तो उसके बाद से वो पानी डालते हैं शाही आदेश के अनुसार और उसे पानी देते हैं, तो वो कहते हैं कि अपना रवैया देखो कैसे ये कर रहे हो। उसके बाद से जब वहाँ से जाने लगते हैं तो वो कहते हैं कि कमांडर यान रुको तो तुम मुझे झूला झूला दो, वो कहते हैं क्या मैं ये सब काम करूंगा, तो वो कहते हैं कहती है और नहीं तो क्या, वैसे ये शाही आदेश अगर आप पालन नहीं करना चाहते तो मैं सम्राट से शिकायत कर सकते हूँ कि आप अपने राज्यपाल की बात नहीं मानते, तो कमांडर यान कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं मैं करूँगा ना मैं झूला झुलाऊंगा। उसके बाद से कमांडर यान आते हैं झूला झुलाने के लिए तो जियो क्यांग जी खड़ी हो जाती है, कहती है कि अब मेरा झूलने का मन नहीं है, कमांडर यान जब जरूरत पड़ेगी तब मैं आपको बुलाऊंगा, वैसे ऐसा लगता है कि आप शाही आदेशों का पालन करके खुश नहीं है, तो वो कहते क्यों नहीं मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ शाही आदेशों का पालन करके। जिसके बाद से वो बड़ा सा बिल्ला दिखाते हुए कहती है कि हाँ देखो महाराज ने मुझे ये दिया है और अब तो मैं आपका राज्यपाल हूँ तो आपको मेरी बात माननी होगी। इसके बाद से इसका शुरू होता है सिटी बजाना, मतलब वो सिटी बजाती है, कमांडर यान दौड़ते हुए इसके पास आते हैं, दौड़ते हुए आते हैं तो वो कहते हैं कमांडर यान आपको मेरी मदद करनी होगी ये कपड़े धुलने होंगे, कमांडर यान कहते हैं क्या, तो कहती है कि हाँ ये तो शाही आदेश है ना, और वो शाही आदेश मतलब बड़ा सा बिल्ला दिखाती है। दोबारा सिटी बजाती है, कमांडर यान दौड़ते हुए आते हैं तो वो कहते हैं अरे बैठो बैठो सभी लोग खाने के लिए बैठो, कमांडर यान बैठ के जैसे ही चॉपस्टिक से खाना लेने जाते हैं वो कहते हैं मैंने आपको खाने के लिए नहीं बुलाया, मैंने आपको इसलिए बुलाया था कि आप जाकर हमारे भाइयों के लिए खाना तैयार कर सके, जाकर वहाँ पे सब्जियाँ तैयार करो। कमांडर यान का मुंह ही बन जाता है, वो कहते हैं कि क्या मैं ये करूंगा, तो वो कहते हैं और नहीं तो क्या, फिर शाही आदेश दिखाते हुए मतलब वो बिल्ला दिखाती है। अगले सीन में वो फिर सिटी बजाती है, कमांडर यान आते हैं तो कहते हैं कि क्या हुआ क्या जरूरी काम था, तो वो कहती है कि हाँ वैसे मेरे बहुत शरीर में बहुत दर्द हो रहा है तो आप आकर मुझे मसाज दो, कमांडर यान क्या ही कर सकते हैं क्योंकि ये तो शाही आदेश है, शाही आदेश मानते हुए कमांडर यान जाते हैं उसे मसाज करने लगते हैं, मतलब बहुत जोर से दबाते हैं, वो कहते हैं कमांडर यान थोड़ा सौम्य हो जाओ थोड़ा धीरे मसाज करो, तो वो धीरे धीरे मसाज करने लगते हैं। इसके बाद से जियो क्यांग जी कहते हैं कि हाँ भाई दाओ अब हमें थोड़ी सी भूख लगी तो अब हम खाने के लिए चलते हैं, और अपना बड़ा सा बिल्ला लेकर शाही आदेश का मतलब जो बिल्ला होता है वो बिल्ला लेकर बड़ा सा वहाँ से चली जाती है। कमांडर यान तो इसके इस हरकतों से परेशान हो गए होते हैं, कभी इस काम के लिए कमांडर यान को सिटी बजाकर बुलाना, कभी उस काम के लिए कमांडर यान को सिटी बजाकर बुलाना,
मतलब कमांडर यान को बहुत ही बहुत 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 ज़्यादा परेशान करी होती है सीटी बजा बजा कर। यहाँ पे कुछ सैनिक लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि कमांडर यान को हाल ही में बहुत ज़्यादा परेशान करी है जियो कैंग जी से हम सबको बच के रहना चाहिए, कि मतलब इतना भी अहंकारी नहीं होना चाहिए ना। ये सारी बातें जियो कैंग जी सोच लिए सुन रही होती है तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, कहती है कि मुझे कमांडर यान को शांत करना होगा। और वो जाती है महल में, देखती है कि एक जगह पौधा लगा हुआ है जिस पर बहुत सारे फल लगे हुए हैं। वो कहती है कमांडर यान जब ये फल को खाएंगे ना तो वो सारा बात भूल जाएंगे, मैंने उनको इतना परेशान किया है तो मुझे माफ़ तो कर ही देंगे। पेड़ की ऊंचाई पर चढ़ जाती है और क्या करती है, एक फल तोड़ लेती है। फल तोड़ने के बाद जब वो उतर नहीं पा रही होती है, सोचती है अब तो कमांडर यान को बुलाना पड़ेगा। वो कमांडर यान को बुलाने के लिए सीटी बजाती है, कई बार बजाती है, लेकिन कमांडर यान वहाँ नहीं पहुँचते। वो कहती है कि क्या वो मुझसे इतना ज़्यादा परेशान हो गया है, या हो सकता है कि उसने सीटी की आवाज़ सुनी ही नहीं हो। अभी ये सीटी बजा रही होती है, उसके बाद सोचती है कि अब उतरना चाहिए। जैसे उतरने की कोशिश करती है, हम देखते हैं कि यहाँ पे सम्राट आ जाते हैं। तो वो कहती है कि सम्राट आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सम्राट कहते हैं मैं नहीं होऊंगा तो और कौन होगा, और ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब खतरनाक है, ऊपर क्यों चढ़े। वो कहती है कि मैं बस कुछ काम के लिए। तो सम्राट कहते हैं कि तुम जितना मत करो, तुम एक काम करो, तुम उतरो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। वो डर रही होती है उतरने से, लेकिन अचानक से फिर उसका पैर फिसल जाता है, वो गिरने लगती है। सम्राट नीचे अपना हाथ करके खड़े होते हैं कि उसे रोक लिया जाएगा, लेकिन जैसे ही जियो कैंग जी नीचे गिरती है, सम्राट रोक भी लेते हैं। तो उतरती है, कहते हैं कि सम्राट आप यहाँ पे क्यों? तो वो कहते हैं कि अभी मुझे खजाने की चाबी मिली है, तो मैं आपके साथ पार्टी करना चाहता था। फिर वो फल को देखती है कि कमांडर यान को खिलाना है, फिर सोचती है कि सम्राट के साथ पार्टी करना ही सही है, और वहाँ पर फल रख के भाग जाती है सम्राट के साथ पार्टी करने के लिए। हम देखते हैं कि यहाँ पे पहुँच गए होते हैं कमांडर यान, उस फल को देखते हैं और सोचते हैं कि आखिरकार ये सम्राट के साथ चले। देखते हैं कि सम्राट जियो कैंग जी को लेकर मार्केट में जाते हैं और कहते हैं कि महल छोड़ना बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ है ना, तो चलो तुम मस्ती करो, आज जितना चाहो उतना खरीद सकते हो। वैसे तो पहले वो उदास होती है कमांडर यान को लेकर, फिर कहती है कि ठीक है तो फिर भुगतान आप करेंगे, मतलब पैसे आप देंगे ना। तो वो कहते हैं कि हाँ निश्चित रूप से। वो जाती है एक जेवरात की दुकान पर, बहुत सारे जेवरात पसंद करती है, कहती है ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, कौन सा लूँ? सम्राट कहते हैं कि ठीक है तो फिर एक काम करो, सभी ले लो। वो कहते हैं कि ठीक है फिर आप भुगतान करो, और पैसा वहाँ से निकल जाती है। आगे वो जाती है कि स्किन केयर के क्रीम के दुकान पे, वो स्किन केयर का क्रीम जो होता है वो देख रही थी। सम्राट कहते हैं कि तुम अपने स्किन की इतनी ज़्यादा देखभाल करते हो, इसीलिए तो तुम्हारा स्किन जो है बिल्कुल एक महिला की तरह है। वो कहती है कि हर महिला मतलब लिंग का कोई लेना देना नहीं है स्किन केयर, मतलब सबको अपना स्किन का केयर करना ही चाहिए। ये लोग बातें कर रहे होते तभी हम देखते हैं कि एक छोटी बच्ची को उसकी माँ डरा के ले जा रही होती है कि जल्दी चलो वाना कियांगी गार्ड के लोग तुम्हें की रफ्तार करके ले जाएंगे। और इतना सुनना था कि जियो कियांगी आती है, कहती है कि हे महिला आप अपनी बेटी को ऐसे कैसे डरा सकती है। छोटे बच्चे से कहते हैं कि छोटे बच्चे तुम्हें पता है कियांगी गार्ड के लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, जब तुम्हें कोई परेशानी होना तो कियांगी गार्ड के लोगों को कहो, और तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो तो तुम एक काम करना, कमांडर यान को कहना, वो तुम्हारी सारी तकलीफें दूर कर देंगे। उसकी माँ कहती है कि ये बकवास करिए, जल्दी चलो, कियांगी गार्ड के लोग तो बहुत ही ज़्यादा भयंकर होते हैं। जिसके वजह से सम्राट कहते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि आप कियांगी गार्ड के लोगों की तारीफ करेंगे। तो वो कहते हैं कि हाँ निश्चित रूप से, आपको पता है कियांगी गार्ड के जो लोग हैं वो सम्राट को प्रेजेंट करते हैं, मतलब कियांगी गार्ड से अगर लोग डरते हैं इसका मतलब सम्राट को समझते होंगे कि सम्राट बहुत ही ज़्यादा क्रूर है। तो निश्चित रूप से बात यह है कि सम्राट तो क्रूर नहीं है, आप तो इतने ज़्यादा अच्छे हैं, कियांगी गार्ड के लोग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो सम्राट एक आइडिया है लोगों के प्रति, मतलब लोगों के बीच में कियांगी गार्ड के प्रति अच्छा प्रभाव पड़े, इसीलिए क्यों ना कियांगी गार्ड को हम आम लोगों के साथ काम करने के लिए लाएं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर।